हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक ईवीएस की जो न्यू बुक आई है वंडरस वर्ल्ड थर्ड क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है गोइंग टू द मेला। तो व्हाट चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न? गोइंग टू द मेला। तो बेसिकली इस चैप्टर में दिया हुआ है कि जो इसमें मेले में जा रहे हैं कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स, तो मेले में जाने के लिए पहले क्या क्या तैयारी की जाती है, उन्होंने मेले में क्या क्या देखा, तो सब के बारे में बात इसमें की गई है चैप्टर में। तो शुरू करते हैं प्रिपेयरिंग फॉर द मेला। तो मेले में जाने से पहले जो तैयारी की जा रही है उसके बारे में इसमें बात की गई है। द मेला हैज़ फाइनली कम टू द टाउन। तो क्या है, मेला आखिरकार हमारे टाउन में, हमारे शहर में आ ही गया। नीता एंड राधा, तो कौन से दो बच्चे हैं इसमें, कौन कौन से? एक का नाम है नीता, एक है राधा। नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। तो नीता और राधा क्या हो रही है, तैयारी कर रही है मेले में जाने के लिए। देर इज़ ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। द मेला इज़ ए लिटल फार फ्रॉम होम, मेला उनके घर से थोड़ा सा दूर है, फार यानी कि दूर। सो दे नीड टू टेक ए बस, तो उन्हें वहाँ जाने के लिए क्या लेनी पड़ेगी, बस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसमें दिखा रखे ना पिक्चर में, ये तो है इनकी दादी माँ, ये जो साइड में खड़ी है, ये है नीता और राधा की मदर, और ये दोनों हैं नीता और राधा। तो ये क्या कर रही है, ये अपने बैग को प्रिपेयर कर रही है कहाँ जाने के लिए, मेले में जाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट्स हैपनिंग, यू ऑल सीम टू बी वेरी बिजी, आस्क्ड दादी। आस्क्ड होता है पूछना, तो दादी जी पूछती हैं व्हाट्स हैपनिंग, क्या हुआ, तुम सब बड़े बिजी नज़र आ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त यानी काम में लगे हुए नज़र आ रहे हो। वी आर गोइंग टू द मेला दादी जी, प्लीज़ कम विद अस। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम मेले में जा रहे हैं दादी जी, प्लीज़ कम विद अस, आप भी हमारे साथ चलिए। रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा, नीता और राधा क्या करती हैं, अपनी दादी जी से रिक्वेस्ट करती हैं कि हम सब मेले में जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी हमारे साथ चलिए। मेला, ओह यस, योर मदर आस्क्ड टू मी कम अलोंग टू। तो उनकी दादी कहती है मेला, अच्छा हाँ, आज ही तुम्हारी मम्मी ने मुझसे पूछा था हमारे साथ चलने के लिए। आई वुड हैव टू लव टू बट यू नो माई लेग्स हर्ट, सेट दादी जी। सेट होता है कहना, तो दादी जी क्या कहती है, मुझे भी तुम्हारा चलना बड़ा अच्छा लगता, लेकिन क्या है, मेरी जो टांगों में दर्द है। नीताज फादर, नीता के जो फादर हैं, जॉइन द कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन होती है आपस की बातचीत, तो बातचीत किस में चल रही थी, नीता में, राधा में और उनकी दादी माँ में। तो तभी उनके क्या होते हैं, नीता के फादर आ जाते हैं और वो उनकी बातचीत में आ जाते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं उनको। वी हैव ए लॉट ऑफ पीपल विद अस, तो उनके फादर क्या कहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं। आवर नेवर्स, नेवर्स होते हैं पड़ोसी, हमारे पड़ोसी चल रहे हैं। स्नेहा एंड रोहित, स्नेहा और रोहित भी चल रहे हैं। एज वेल एज मोहन चाचा, पेरेंटल अंकल एंड हिज फैमिली, जो उनके मोहन चाचा हैं वो भी चल रहे हैं और उनकी पूरी फैमिली भी हमारे साथ कहाँ जा रही है, मेले में जा रही है। दे आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे, तो वो क्या है, वो ट्रेन से आज यहाँ पर पहुँच जाएंगे। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर आपका ध्यान रख लेंगे। दादी जी स्माइल, तो दादी जी क्या करती है, स्माइल करने लगती है एंड आंसर करती है ऑल राइट आई विल कम। दादी जी थोड़ा सा मुस्कुराकर और जवाब देती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स, तो दादी जी कहती है कि आपने अपनी सारी वाटर बॉटल्स, पीने का जो पानी है वो फिल कर लिया है, भर लिया है। नाउ ओ यस दादी जी, आवर स्पेशल बैग इज़ रेडी टू। तो क्या होता है, नीता और राधा क्या कहती है, हाँ दादी जी हमारा जो स्पेशल बैग है ना मेले में जाने के लिए, वो रेडी यानी कि हमने तैयार कर लिया है। नीता रिप्लाइड, कौन कहता है ये बात, कहती है नीता। द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय, एवरीबॉडी वॉज वेरी हैप्पी दैट दादी जी एंड एग्री टू कम। जब दादी जी ने चलने के लिए तैयार हो गई तो क्या होता है, सब बहुत खुशी से जम्प्ड करने लगते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। नीताज फादर कॉल्ड आउट टू देयर नेबर्स आस्किंग देम टू बी रेडी ऑन टाइम, तो जो नीता के फादर होते हैं वो नेबर से क्या कहते हैं, कहते भी और पूछते भी हैं कि हमें ऑन द टाइम, मतलब टाइम पे मेले में चलने के लिए तैयार हो जाना है।
इन द मीन टाइम मोहन चाचा कॉल्ड देम टू से दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला। इतने में क्या होता है, इसी समय में जो मोहन चाचा होते हैं वो क्या कहते हैं इनसे, वो कहते हैं कि हम आपको सीधा मेले में ही मिलेंगे, नीता और नीता की फैमिली से डायरेक्टली कहाँ मिलेंगे, वो मेले में मिलेंगे। दे वुड टेक के सिटी बस एंड देन एन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड। कहते हैं कि हम ट्रेन से उतर के, देखिए ये आ रहे हैं ना इसके चाचा जी और ये पीछे ट्रेन दिखा रखी है, तो कहते हैं हम ट्रेन से उतर के पहले सिटी बस लेंगे। सिटी बस क्या होती है, जो जहाँ पे वो आ रहे हैं उस सिटी यानी शहर में जो बस चल रही है पहले वो लेंगे, देन लेंगे ऑटो रिक्शा और कहाँ पहुँच जाएंगे, वो पहुँच जाएंगे सीधा मेला ग्राउंड में। वो देर आर सो मैनी ऑफ अस, क्या कहते हैं, ओह हम तो बहुत सारे हो जाएंगे। कौन कहता है ये बात, कहता है व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, एक्सक्लेम्ड राधा। तो ये उत्साह, एक्सक्लेम्ड होता है उत्साह से, कौन कहते हैं, राधा कहती है अरे हम तो बहुत सारे हो जाएंगे और बहुत मज़ा भी आएगा। डिस्कस, अब देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, जरा इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक वॉज इन द स्पेशल बैग दैट नीता एंड राधास फैमिली कैरिड। तो इसमें पूछा है कि उस स्पेशल बैग में जो राधा और नीता पैक कर रही थी, उस स्पेशल बैग में क्या क्या सामान उन्होंने पैक किया था, तो ये हमें लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ ऊपर लिखा है, द स्पेशल बैग लाइकली कंटेन वाटर बॉटल, एक तो उन्होंने अपनी वाटर बॉटल रखी होगी, कुछ स्नैक्स रखे होंगे, मनी, मेले में जाएंगे तो वहाँ पे सामान खरीदने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होगी, एंड नैपकिन्स रखी होगी। आप इसके अलावा और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे बुक्स रखी होंगी और कपड़े रखे होंगे, और भी जो भी आपको चीज़ लगता है सूटेबल वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ए ट्रिप। तो आप जब आप ट्रिप पे जाते हैं तो आप अपने आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या सामान लेके जाते हैं अपने ट्रिप पे जाने के लिए, तो वो आपको लिखना है कि जब आप ट्रिप पे जाते हैं तो आप अपना बैग को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या लेके जाते हैं, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट है, ऑन द वे टू द मेला। अब ये मेले में जा रहे हैं, स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर्स। स्नेहा और रोहित बस नीता के नेबर्स ही नहीं हैं, दे आर क्लोज फ्रेंड टू, वो एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला, वो भी क्या थे, तैयार हो चुके थे कहाँ जाने के लिए, मेले में जाने के लिए। स्नेहा, गेट रेडी क्विकली, स्नेहा जल्दी तैयार हो जाओ। नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून, सेड देयर मदर। तो उसकी मदर क्या कहती है, नीता की जो फैमिली है, स्नेहा से कहती है नीता की जो फैमिली है आने वाली है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ, तो स्नेहा कहती है मैं लगभग तैयार ही हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग आई नीड विद मी, स्नेहाज एडिड। तो क्या कह रही है कि मैं बस ये चेक कर रही हूँ कि अब मैंने सब जरूरी सामान है वो रख लिया है या नहीं, बस मुझे यही चेक करना रह गया है। कौन कहता है ये, स्नेहा कहती है, इट इज़ टाइम टू लीव नीताज फैमिली इज हेयर, अनाउंस्ड हर फादर। तो उसके फादर क्या कहते हैं, देखो नीता की फैमिली यहाँ पर अपने घर से निकल चुकी है, मतलब ये टाइम जो है वहाँ से निकल चुकी है यहाँ आने के लिए। सून आफ्टर, थोड़े समय बाद, दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला। क्या हुआ, थोड़े समय बाद वो सब कहाँ चले गए, मेले के लिए निकल गए। नीता हेल्ड दादी जीज हैंड एंड लेट हर स्लोली टू द बस स्टॉप। नीता ने क्या करा, नीता ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा है, ये देखो यहाँ पे इस पिक्चर में, कहाँ पे जाने के लिए, बस स्टैंड पे जाने के लिए, क्योंकि दादी के पैर में दर्द था, तो नीता उन्हें आराम आराम से हाथ पकड़ के लेके जा रही है। दे वॉक्ड केयरफुली ऑन द रोड कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। जब वो चल रहे थे रोड पे तो क्या कर रहे थे, अपनी आईज से, आंखों से इधर उधर देख रहे थे दोनों डायरेक्शन में कि कहीं कोई गाड़ी ना आ जाए, और वो बहुत देख के रोड क्रॉस कर रहे थे। बस नंबर 401 स्लोली केम टू द टू ए हेल्ट। क्या हुआ था, बस नंबर क्या था, 401 कहाँ पे आई, बस स्टैंड पे आई। द कंडक्टर एंड नीताज फादर हेल्प दादी जी गेट ऑन द बस।
तो बस में जो टिकट काटता है उसे कौन क्या कहते हैं, वो होता है कंडक्टर, और एक होता है ड्राइवर जो बस चलाता है। तो क्या था, जो कंडक्टर था और नीता के फादर ने दादी की उस बस में चढ़ने में क्या करी, हेल्प करी। देयर वॉज ए सीट रिजर्व फॉर ए ओल्डर पीपल। तो आप कभी बस में जाए तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ना कुछ सीट रिजर्व होती हैं, कुछ फीमेल्स के लिए होती हैं, कुछ मेल के लिए होती हैं, कुछ जो ओल्डर पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए होती है। तो क्या था, तो देयर वॉज ए सीट रिजर्व, तो वहाँ पे जो सीट रिजर्व थी ओल्ड पीपल के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, दादी जी को बिठा दिया। दादी जी सेट कंफर्टेबली इन इट, वहाँ पे क्या हुआ, दादी जी बैठ गई। एवरीवन बोर्डर्ड द बस एंड सेट ऑल अराउंड दादी जी। क्या होता, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे, और दादी जी भी। रोहित्स फादर इंस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स फॉर एवरीवन। तो रोहित के जो फादर थे वो क्या कहते हैं, वो इंस्टेड यानी जोर से कहते हैं कि जो सबके लिए टिकट है मैं ही खरीदूंगा। तो 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट्स प्लीज, ही सेड टू द कंडक्टर। तो जो टिकट काटता है उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर, जैसे कि हमने बताया था अभी। तो क्या कहते हैं, रोहित के फादर कहते हैं कि 5 तो फुल 5 तो फुल टिकट चाहिए और 4 हाफ टिकट चाहिए। अब हाफ टिकट्स किसके लिए चाहिए, तो जो बच्चे होते हैं 10 से 11 या 12 साल से, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके क्या होते हैं, उनकी टिकट पूरी नहीं लगती, उनकी हाफ टिकट लगती है। तो क्या होता है, उन्होंने 4 तो हाफ टिकट ली, क्योंकि इस मेले में कितने बच्चे जा रहे थे, 4 बच्चे जा रहे थे, तो उनकी 4 हाफ टिकट थी और 5 फुल टिकट थी। तो रोहित के फादर ने किससे कहा, कंडक्टर से कहा कि ये टिकट दे दो। ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट एंड नॉट जंप अराउंड। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों से कि यहाँ पे कूदो मत, आराम से अपनी सीट पे बैठ जाओ। ही ऑल्सो आस्क देम नॉट टू पुट देयर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द विंडोज फॉर देयर सेफ्टी। और उन्होंने कहा कि अपने हाथ और सर कभी भी चलती हुई बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। द बस वेंट थ्रू द सिटी एंड फाइनली रीच द बिग ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बींग हेल्ड। क्या हुआ, फिर बस वहाँ पे पहुँची, सिटी से निकलने के बाद हम कहाँ पहुँचे, फाइनली ग्राउंड वेयर, उस ग्राउंड में पहुँचे जहाँ पे मेला लगा हुआ था। नाउ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए इन्हें देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रेवल विद इन योअर सिटी टाउन एंड विलेज। तो उस ट्रांसपोर्ट का, उस गाड़ी का नाम लिखना है जो आप अपनी सिटी में, शहर में, गांव में जाने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर ये है, इन माई सिटी टाउन विलेज वी यूजली ट्रेवल बाय बैटरी रिक्शा। कि मैं अपनी जो सिटी या टाउन विलेज जिसमें भी जाता हूँ, सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करता हूँ, एक तो बैटरी रिक्शा, कार का, मोटरसाइकिल का एंड बस का। इसके अलावा आप अगर आप बाइसाइकिल का यूज़ करते हैं और भी किसी चीज़ का, स्कूटर का यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे, या स्कूटी का यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाई शुड सेफ्टी मेजर्स बी फॉलोड वैन ट्रेवलिंग बाई बस, कार और वाइल राइडिंग ए बाइसाइकिल। तो क्या था, हमें जो सेफ्टी मेजर्स हैं भाई, अगर हम ये चला रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो, क्यों फॉलो करना चाहिए। तो क्या है इसका आंसर, ये सेफ्टी मेजर्स शुड बी फॉलो टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरीज। क्या होता है, जब हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, हम किसी भी बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हैं, चोट लगने से बच सकते हैं। तो कोई भी ऐसी दुर्घटना जो जिससे हमें हानि पहुँचे या हमें चोट लगे, तो क्या हो सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। आपको एक ऐसी ट्रिप लिखनी है, ट्रिप के बारे में लिखना है जो आपने अपने पड़ोसी के साथ, फ्रेंड के साथ, और या अपनी फैमिली के साथ, आप कहीं घूमने गए हो तो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, क्या इंजॉय करा, उस ट्रिप को आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है इसमें, वी ट्रेवल्ड टू ए ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन एंड स्पेंड आवर डेज लॉन्गिंग ऑन द बीच। हम यहाँ पे घूमने गए थे, ट्राइंग टू न्यू फूड्स, हमने वहाँ पे नया नया खाना खाया, एंड एक्सप्लोरिंग द लोकल नाइट टेल, हमने वहाँ पे जो लोकल वो थी नाइट लाइफ वो देखी, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे। इट वॉज़ ए फन एंड मेमोरेबल डे। आप इसकी जगह, हमें वहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत ही यादगार दिन था। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आप घूमने गए, आप किसी पार्क में घूमने गए हैं,
और कहीं पे आपने कुछ और ट्रिप करी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है, अब ये उसमें आ गए हैं मेले में, तो यहाँ पे है पार्किंग, ये है फर्स्ट एड और ये है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है, अगर आपका कोई सामान खो गया है या आपको कोई चीज़ किसी की पड़ी हुई मिली है तो आप यहाँ ला के सबमिट कर दो। तो जब आपकी कुछ चीज़ खोती है या आपको कुछ मिलता है तो यहाँ से आपको यहाँ पे मिल सकता है अगर आपकी कोई चीज़ खो जाए। तो ये क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड गेट। मेला इन्फॉर्मेशन, मेले के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये यहाँ पे विंडो है इसकी। एंड नेक्स्ट ये है एंट्री गेट। नाउ देखो ये भी आ गए इसमें, जो उनके चाचा जी थे। एट द मेला, अब मेले की बात हो रही है, मेले में क्या हो रहा है, बोथ द फैमिलीज रीच द बिग पैरेड ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बींग हेल्ड। क्या हुआ, दोनों फैमिली कहाँ पहुँच चुकी थी, उस परेड ग्राउंड में जहाँ पे मेला लगाया जा रहा था। मोहन चाचा एंड हिज फैमिली ऑल्सो गोट डाउन फ्रॉम अन ऑटो रिक्शा। जो मोहन चाचा थे और उनकी पूरी फैमिली थी वो भी ऑटो रिक्शा से वहाँ मेले में पहुँच चुकी थी। एट द एंट्रेंस देयर वॉज ए मैप ऑफ द मेला ग्राउंड शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशंस। क्या था, मेले में एक बड़ा सा मैप लगा था। मैप में क्या था, मैप में दिखा रखा था, वहाँ पे शो कर रखा था कि कौन कौन से स्टॉल्स कहाँ पे हैं एंड उनकी लोकेशन क्या है। तो ये देखते हैं इसमें पिक्चर में दिखाया नहीं, तो क्या था उसमें, ये रहा मैप, देखो ये दिखाया ना मैप, यहाँ लिखा हुआ है मैप। तो ये मैप लगा था, इसमें लिखा था कि कौन कौन सी जो शॉप है, स्टॉल्स है, वो कहाँ लगी है और क्या कहते हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है। एन एम्बुलेंस, पुलिस जीप एंड फायर इंजन वर पार्क्ड नेक्स्ट टू इट। वहाँ पे मेले में क्या क्या लगा था, मेले में एम्बुलेंस भी थी, फायर ब्रिगेड भी थी और एक पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी। किसी को कुछ इंजरी हो जाती है या कोई किसी से कोई झगड़ा हो जाता है तो क्या था, इसलिए पहले से ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। देर वॉज ऑल्सो ए लॉस्ट एंड फाउंड बुक विथ वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स क्या होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फ्री सेवा देते हैं, मतलब जैसे लोगों की हेल्प करते हैं वहाँ पे मेले में आके, उसके बदले वो कुछ पैसे नहीं लेते, बस वो लोगों को उनके लोगों को मदद करना अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग अपनी मर्जी से वहाँ के लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, वॉलंटियर्स। मोहन चाचा एंड रोहित हरी टू गेट ए व्हील चेयर फॉर दादी जी। तो मोहन चाचा और रोहित क्या करते हैं, जल्दी से जाके दादी जी के लिए व्हील चेयर लेकर आते हैं। व्हील चेयर क्या होती है, ऐसी चेयर जिसमें व्हील यानी पहिए लगे हों। उस पर दादी जी को क्यों बिठाया, क्योंकि आपने स्टोरी में सबसे पहले पढ़ा था कि दादी जी के पैरों में दर्द था। एज दे एंटर दे सो स्टॉल्स विद गेम्स टॉयज स्वीट्स एंड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। जैसे ही वो मेले में एंट्री करते हैं, उन्होंने क्या देखा, स्टॉल्स देखी, अलग अलग गेम्स देखे, टॉयज देखे, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ देखी, मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स और भी अलग अलग चीज़ें देखी। जैसे कि आप इसमें नीचे देख सकते हैं, ये दिखाया यहाँ पे है थाली, ये है टॉयज एंड गेम्स, यहाँ पे खाना है, नारियल पानी की शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है, पुलिस पब्लिक टॉयलेट है यहाँ पे, और ये हलवाई की दुकान है, बैंगल्स हैं और ये गुब्बारे वाला यहाँ खड़ा है, हेल्प बूथ है, लॉस्ट एंड फाउंड है, मैप भी है एंड फर्स्ट एड भी है। इस तरह की सारी चीज़ें क्या हैं, इस मेले में हैं। चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड दे विजिटेड टू टॉय स्टॉल। क्या थे, सारे बच्चे सारी चीज़ें देख के खुश हो जाते हैं, गेम्स और टॉय की शॉप, और सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वो टॉय की शॉप पर जाते हैं। फ्रॉम वेयर दे बॉट स्पिनिंग टॉप्स। अब जो टॉय की शॉप पे गए तो उन्होंने क्या क्या खरीदा, स्पिनिंग टॉप्स, पपेट्स, फिरकीज एंड डॉल्स, इन्होंने ये सब चीज़ें टॉय की शॉप से खरीदी। द चिल्ड्रन देन टुक ए राइड ऑन द मैरी गो राउंड एंड द जियंट व्हील। उन्होंने इस झूले पे मैरी गो राउंड और जियंट व्हील पे क्या करा, राइड करे, घूमे भी। स्नेहा एंड राधा बॉट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकेट्स। क्या होती है, छोटे से गहने होते हैं, जैसे कान की इयरिंग्स हो गए, बैंगल्स हो गई, इस तरीके से इन सबको मिला के क्या लिखा है, ट्रिंकेट्स लिखा है। तो स्नेहा और राधा ने क्या खरीदी, बैंगल्स खरीदी और कुछ ट्रिंकेट्स खरीदे। नेक्स्ट है लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो। अब क्या था, चलो अब देखते हैं कहाँ जाके मैजिक शो देखते हैं, जादू का खेल देखते हैं। सेट नीता, किसने कहा ये बात, नीता ने कहा। दे ऑल्सो देन इंजॉयड द मैजिक शो। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने मैजिक शो इंजॉय किया।
मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन, यू हैव हैड ए लॉट ऑफ फन। मोहन चाचा कहते हैं सारे बच्चों से, अब तुम बहुत मजे कर चुके हो, नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट, अब चलो कुछ खा लेते हैं। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। कहते हैं तो खाने से पहले आपको क्या करना है, अपने हाथ बहुत अच्छे से धोने हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सेफ्टी का, सेफ्टी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अपनी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद क्या करना चाहिए, अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। द चिल्ड्रन वेंट टू द वाटर पॉइंट एंड वॉश देयर हैंड्स। तो क्या होता है, सारे बच्चे जाते हैं जहाँ पर पानी लगाता है और वहाँ पर जाके अपने हाथ साफ करते हैं। दे ऑल एट गोलगप्पास, उन्होंने गोलगप्पा खाए, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज विद रबड़ी कुल्फ़ी एंड मैनी अदर डेलीशियस थिंग्स। तो उन्होंने ये सब चीज़ें क्या क्या खाई वहाँ पे, क्या क्या खाई, गोलगप्पे, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबी, रबड़ी एंड कुल्फ़ी। आफ्टर ईटिंग दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन। खाने के बाद जो उसमें जो एक्स्ट्रा सामान बचा था, जो रैपर्स थे फेंकने के, उन्होंने वो कहाँ फेंके, वो ऐसे ही कहीं नहीं फेंके, उन्होंने किसका यूज़ करा, डस्टबिन का। नाउ एज दे वर लीविंग द मेला, जब वो मेले से बाहर जा रहे थे, दादी जी एक्सक्लेम्ड लुक चिल्ड्रन, दादी जी क्या कहती हैं, सारे बच्चों को देखती हैं मेले में बाहर आने से पहले, हु इज एकॉम्पनिंग द पुलिस ऑफिसर। तो दादी जी कहते हैं लुक देयर, वहाँ देखो सारे बच्चों से, जो पुलिस ऑफिसर है उनके साथ ये कौन है। तो बच्चों से पूछती हैं, तो ऑल द चिल्ड्रन आंसर टुगेदर, दादी जी इट इज़ ए पुलिस डॉग। तो सारे बच्चे क्या कहते हैं, दादी जी ये पुलिस डॉग है। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कुंभ मेला इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल। क्या जो कुंभ का जो मेला लगता है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का सबसे बड़ा क्या है, फेस्टिवल, त्यौहार है। इट इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड एंड इज़ हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। क्या है ये जो इतना बड़ा मेला लगता है, इसमें दुनिया के बहुत ज़्यादा लोग इसमें आते हैं। और ये कौन कौन सी नदियों के किनारे लगता है, सबसे पहले है गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा नदी। शिप्रा नदी कहाँ है, ये है हैदराबाद में, तो ये यहाँ पे लगता है। इट इज़ हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स इन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। क्या है ये हर 12 साल में, हर 12 साल बाद लगता है, कहाँ कहाँ पर, हरिद्वार में, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन में। कौन सा मेला है, कुंभ का मेला, इसके बारे में आप और पता कीजिएगा। नाउ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए इसे एक बार देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। तो लॉस्ट एंड फाउंड जो बूथ वहाँ पे था मेले में, उसका मेन मोटिव क्या था, क्यों लगाया जाता है वो, इसका आंसर ऊपर लिखा है। द पर्पस ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ इज टू हेल्प पीपल फाइंड लॉस्ट आइटम्स और लोकेट मिसिंग फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग द मेला। क्या होता है, मेले में अगर कोई छोटा बच्चा है वो मिस हो गया है वहाँ पे, क्योंकि मेले में बहुत भीड़ होती है, तो आप उसे अकेले तो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, लॉस्ट एंड फाउंड बूथ पे अगर आपको कोई सामान, कोई फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त अगर अलग हो गया है, तो आप उस जगह जाके वहाँ पे ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस डॉग। अब इन्होंने बोला जो पुलिस डॉग है, पुलिस के साथ जो वो डॉग था, उसका क्या रोल होता है, क्यों रखते हैं पुलिस वाले उसे। तो इसका आंसर ये है, द रोल ऑफ द पुलिस डॉग इज असिस्ट द पुलिस ऑफिसर इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड टू हेल्प इन सर्चिंग फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी और लॉस्ट इंडिविजुअल एट द मेला। पुलिस डॉग क्या करता है, जो डॉग होता है उसका सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है तो क्या करते हैं, तो आपसे रिलेटेड वो उसकी जो स्मेल है वो सूंघ लेता है और उस चीज़ को आपको ढूंढ के दे देता है। तो क्या था, मेंटेन सिक्योरिटी, वहाँ पे सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कर रखा था, पुलिस डॉग रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हैव यू एवर बीन टू ए मेला, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक्ड मोस्ट इन द मेला। क्या आप कभी मेले में गए हैं, अगर गए हैं तो आपको वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो आपको वो लिखनी है। तो अगर गए हैं तो लिखना है यस, लिखना है आई हैव बीन टू ए मेला, तो मैं एक बार मेले में गया था, द थिंग्स आई लाइक मोस्ट वर द वेरियस फूड स्टॉल। जब मैं मेले में गया था तो मुझे वहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा, तरह तरह के जो फूड, खाने की जो स्टॉल लगी थी, फन राइड्स लाइक द जी एंड व्हील्स एंड मैरी गो राउंड,
जो वहाँ पे झूले थे मुझे वो अच्छे लगे, एंड द इंटरेस्टिंग गेम्स एंड टॉयज़ अवेलेबल, वहाँ पे जो गेम्स और टॉयज़ थे मुझे वो सब चीज़ें अच्छी लगी। अगर आपको कुछ और अच्छा लगा हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस शेयरिंग एक्सपीरियंस, इमेजिन योर सेल्फ इन ए पुलिस और प्लेस ऑफ नीता, राधा एंड स्नेहा एंड रोहित। अपने आप को इमेजिन करना है, अगर आप नीता, राधा, रोहित और स्नेहा की जगह होते तो क्या करते। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू वुड डू इन द मेला। तो इनकी जगह होते तो आप क्या क्या करते। तो देखिए नीचे ये चीज़ें दिखा रखी हैं, जैसे यहाँ मैजिक शो है, हलवाई वाला है, मटका कुल्फी वाला है, और ये क्या क्राफ्ट बाजार है। तो आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जाते, कहाँ कहाँ घूमते, आपको वो लिखना है। नेक्स्ट है ये वाले क्वेश्चन हम अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, लास्ट में करेंगे सबसे। नेक्स्ट है एक्टिविटी वन, रीडिंग ए स्केच। आपको क्या करना है, ये स्केच दे रखी है, इसमें क्या क्या है देखिए ज़रा ध्यान से। फर्स्ट है परेड ग्राउंड, बैंक, लाइब्रेरी, नीता एंड राधाज हाउस, स्नेहा एंड रोहित हाउस, एंड यहाँ पे क्या है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन एंड स्कूल है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपको, वो बताना है। स्टडी द स्केच एंड आंसर, फाइंड द सर्कल रोहित एंड स्नेहाज हाउस ऑन द मैप। अब आपको रोहित और स्नेहा का हाउस बताना है, मैप में कौन सा उसे सर्कल करना है। तो ये है उनका हाउस, ये हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द सर्कल नीताज एंड राधा हाउस ऑन द मैप। अब मैप में आपको नीता और राधा का हाउस बताना है कौन सा है, तो यह नीता और राधा का हाउस ये है। नेक्स्ट है, हुज हाउस इज क्लोजर टू द परेड ग्राउंड, किसका जो घर है परेड ग्राउंड का सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो आप देख सकते हैं इनका ये है परेड ग्राउंड, इनका घर ज़्यादा पास है लेकिन इसका थोड़ा सा दूर है, तो पास किसका है, नीता और राधा का। तो यहाँ हमने लिख दिया नीता एंड राधाज हाउस। इफ़ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन द परेड ग्राउंड, विच प्लेस वुड यू पास थ्रू। अगर आप पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड की तरफ जाते हैं, जैसे ये तो है, एक मिनट, ये तो है आपका पुलिस स्टेशन, यहाँ से आप इस परेड ग्राउंड की तरफ जाते हैं तो आपको क्या क्या बीच में पड़ेगा। सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाने के लिए यहाँ पे आएगा स्कूल, स्कूल से होते हम इस रास्ते से होते हुए, फिर आएगा स्नेहा एंड रोहित का हाउस, यहाँ से जाएंगे, फिर आएगी लाइब्रेरी, देन हम पहुँचेंगे परेड ग्राउंड। तो बीच में क्या क्या आया उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। सबसे पहले तो आया स्कूल, फिर स्नेहा एंड रोहित हाउस, एंड लास्ट में क्या आई थी, लाइब्रेरी। नाउ ड्रॉ करना है यहाँ पे, इन द गिवन स्पेस स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल दैट यू फॉलो एवरी डे। तो आपको यहाँ पे स्केच को बनाना है एक मैप का, जो आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए रोज जाते हैं, तो उस रास्ते में क्या क्या होता है। मान लीजिए ये है आपका हाउस, लिख दिया इसमें मैंने, ठीक है, यहाँ से आप गए, यहाँ पे आपको एक शॉप मिलती है, इस शॉप पे मान लीजिए ये है जलेबी वाले की शॉप, ठीक है, ये मिलती है। उसके बाद आप यहाँ जाते हैं, इस रास्ते पे यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है, देन यहाँ से जाने के बाद इस तरफ जाते हैं, यहाँ से कोई शॉप, यहाँ पे शॉप का आप कुछ नाम दे दीजिए, इस तरीके से जाके यहाँ आ जाता है आपका स्कूल। तो आप अपनी मर्जी से अपना मैप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखनी है आपको कि आपको रास्ते में क्या क्या दिखता है। डिस्कस इन द क्लास, अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका फर्स्ट का आंसर है, हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों की मदद या उनकी केयर, देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट का ये है, देखो यहाँ लिखा नंबर वन, तो यहाँ पे इसका आंसर है, वी कैन केयर फॉर आवर एल्डर्स बाय हेल्पिंग देम, हम उनकी हेल्प करके मदद सकते हैं, विद द डेली टास्क, उनके जो दिन के जो रोज़ के काम होते हैं हम उन पर उनकी हेल्प कर सकते हैं, स्पेंडिंग टाइम विद देम, उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, वो जो स्टोरी सुनाते हैं उनकी स्टोरी सुन सकते हैं, एंड ईटिंग प्लेइंग विद देम, उनके साथ खाना खा सकते हैं और खेल सकते हैं। इस तरीके से हम अपने एल्डर्स की क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स डू वी सी अराउंड अस, आपने कौन कौन सी व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ अपने आसपास देखी हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर टू। तो सबसे पहले मैंने व्हीलर्स के आधार पर, उनके जो पहिए होते हैं उनके आधार पर ये लिखे हैं। एक तो होते हैं टू व्हीलर, ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनके दो पहिए होते हैं, एक ऐसी होती है जिनके थ्री पहिए होते हैं, और एक ऐसी होती है जिनके फोर पहिए होते हैं।
टू वाले देखे हैं उसमें क्या देखा है, बाइसाइकिल देखी है, मोटर बाइक देखी है और स्कूटर देखा है। थ्री वाले में ऑटो रिक्शा देखा है, साइकिल रिक्शा देखा है। फोर व्हीलर्स में कार देखी है, स्कूल बस देखी है, वैन देखा है, ट्रैक्टर देखा है और भी और अगर आपको चीज़ें टेक्स्ट्रा और कोई चीज़ें अपने आप देखी है तो आप वो लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ कैन वी एंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। तो हमें क्या करना है, जब आप ट्रैवल यानी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं आप अपनी सेफ्टी। तो इसका आंसर ऊपर लिखा है, ये है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर थ्री। वी कैन इंश्योर सेफ्टी बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। हम अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो ट्रैफिक के नियम हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। वेयरिंग सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट। हमें अगर हम गाड़ी में बैठे तो हमें बेल्ट अच्छे से लगानी चाहिए और अगर हम बाइक या स्कूटी पर जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। नॉट स्टिकिंग आवर हैंड्स एंड हैट आउट ऑफ द विंडो। हमें अपना सर और हाथ कभी भी चलती हुई गाड़ी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। एंड बींग कॉशन ऑफ आवर सराउंडिंग। और अपने आसपास अच्छे से देख के चलना चाहिए कोई भी दुर्घटना जिससे ना हो। नेक्स्ट मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, पिक ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, मैच इट विद ए पिक्चर एंड राइट द वर्ड बिलो द पिक्चर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या है, बीच में नाम दे रखे हैं, इधर पिक्चर है और पिक्चर के नीचे यहाँ आपको उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे वॉलंटियर्स, तो इन्होंने लिखा है वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए फर्स्ट लिखा हुआ है तो ये इसमें मैच भी करना है। तो वॉलंटियर्स कहाँ है, ये है आपका वॉलंटियर्स। नेक्स्ट है मेडिकल, ये है मेडिकल अटेंडेंट, ये है यहाँ पर। टॉय सेलर, टॉय सेलर है ये यहाँ। एंड बैंगल सेलर, इसको यहाँ मैच कर देंगे। पुलिस ऑफिसर, ये यहाँ पर है। हलवाई सबसे ऊपर है, इसमें दिख नहीं रहा। मेहंदी है नीचे, ये है मेहंदी आर्टिस्ट। एंड पपेटर ऊपर होगा यहाँ पे, पपेटियर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मैच कर लीजिएगा और इसके नीचे नाम भी लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सी है ड्रॉ इन योर बुक। क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए लेवल डिफरेंट व्हीकल्स दैट यू सी अराउंड योर स्कूल एंड होम। अपने स्कूल और घर के आसपास आपने जो भी गाड़ियां व्हीकल देखी हैं उनको आप या तो ड्रॉ कर सकते हैं या उनकी कटिंग काट के अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं, ये काम आपको करना है। डी है रोल प्ले ऑर्गेनाइज ए मॉक मेला। आपको क्या करना है, एक मॉक मेला तैयार करना है, ये आपकी आप अपनी क्लास में कर सकते हैं। एक रोल प्ले करना है आपको, मतलब क्लास में एक मेला बनाना है, मतलब उसका एक रोल प्ले करना है इस तरीके से कि आप अपनी क्लास में मेला लगा रहे हो जैसे, ठीक है। नाउ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बीच में क्वेश्चन रह गए थे दो, जरा उन्हें देख लेते हैं हम। ये रहे, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है टॉक टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड फाइंड आउट हाउ मेलास वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। तो लिखना है टॉक एल्डर्स, अपने बड़ों से आपको पूछना है, अपनी फैमिली में जो आपके बड़े हैं उनसे पूछना है जब आप छोटे थे तब मेला कैसा लगता था और आप जब आप बड़े हो गए तब मेला अब कैसा लगता है, तो तब में और अब में अब क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब आपके दादाजी दादी जी या मम्मी पापा छोटे थे उनके टाइम में भी मेला लगता होगा, अब आप छोटे हैं आपके टाइम में भी लगता है, तो आपको अपने पेरेंट्स से अपने बड़ों से पूछना है कि उस समय मेला कैसा लगता था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई आर फायर इंजन एंड एम्बुलेंस प्रेजेंट इन ए मेला। तो आपने देखा जब हम इसको पढ़ रहे थे हमने देखा तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी मेले में, फायर ब्रिगेड थी, एम्बुलेंस थी, तो ये क्यों लगी हुई थी वहाँ पर, क्यों रखा था। क्या होता है मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, कोई झूले से अगर मान लो गिर गया तो अचानक से क्या कहाँ से कैसे डॉक्टर को लेके जाएंगे, तो क्या होता है वहाँ पे फर्स्ट एड भी होता है, फर्स्ट एड से के बाद हमें एम्बुलेंस भी मिलती है, तो इसलिए ये सब चीज़ें वहाँ पर पहले से ही मौजूद रहती है हमारी सेफ्टी के लिए। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। नाउ ये आपका चैप्टर हो गया है कम्प्लीट। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप इसमें और कुछ डाउट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैप्टर अच्छा लगे तो आपको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।